गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर एंड. सो इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इंश्योरेंस, आर बैंकिंग सेक्टर इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम जनरल इंश्योरेंस. तो द वेरी फर्स्ट वन इंश्योरेंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इज फायर इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर एग्रीज टू पे द लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय फायर टू द इंश्योर्ड. मीन्स इंश्योर्ड को जो इंश्योरर है वो प्रॉमिस करता है कि इनकेस आपको कोई लॉस या डैमेज होता है ड्यू टू फायर, देन आई विल पे यू सम एग्रीड सम ऑफ मनी. दिस कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ओनली फॉर वन ईयर. सिर्फ वन ईयर के लिए होता है. जैसे हमारी बाइक्स वगैरह का इंश्योरेंस होता है, ये सब हमारे वन ईयर के होते हैं. उसके बाद हमें फिर से इनके प्रीमियम पे करना पड़ता है और फिर से ये इंश्योरेंस लेना पड़ता है. ठीक है. सो फायर इंश्योरेंस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसी हैं. दो मेन कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट, द क्लेम फॉर कंपनसेशन शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी एन एक्चुअल लॉस. एक लॉस होना चाहिए, एक एक्चुअल लॉस होना चाहिए. यानी कि कोई झूठ में हम कोई भी क्लेम नहीं ले सकते. सो द फायर इज एक्सीडेंटल एंड नॉट इंटेंशन एंड नॉन इंटेंशन. मीन्स फायर एक्सीडेंटल होनी चाहिए, ना कि आपने खुद से आग लगाई हो. उस केस में आपको ऑब्वियसली क्लेम नहीं मिलेगा. तो जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस के कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे, वैसे हम फायर इंश्योरेंस के पढ़ेंगे. सबसे पहले इसमें भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पे कि आपका लॉस हो रहा है, तो इसमें आपका नुकसान है. तो यू मस्ट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस. इट मस्ट बी प्रेजेंट एट बोथ एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस. जैसे मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस बताया था, तो लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब प्रेजेंट होता है? एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी. जैसे मैंने आपको हस्बैंड वाइफ का उदाहरण दिया था कि हस्बैंड वाइफ हैं, उन्होंने पहले इंश्योरेंस लिया. एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी दे आर मैरिड. बट उसके बाद क्या हुआ, जब क्लेम लेने की बारी आई तब तक उनका डिवोर्स हो गया. सो एट द टाइम ऑफ लॉस या एट द टाइम ऑफ क्लेम वो अब साथ में नहीं है. अब उन्हें एक दूसरे की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है. बट फायर इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता. फायर इंश्योरेंस में क्या होता, वेन यू आर टेकिंग पॉलिसी तब आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड एट द टाइम ऑफ लॉस तभी भी आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. तो इट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस. एग्जाम्पल, अ हाउस प्रॉपर्टी मोर्गेज टू अ बैंक. अगर एक हाउस प्रॉपर्टी को हम मोर्गेज करते हैं बैंक को, मीन्स हमने गिरवी रखा है, तो बैंक को पूरा का पूरा इंटरेस्ट है कि जो हाउस प्रॉपर्टी है वो जलनी नहीं चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको पूरा क्लेम फिर वापस नहीं मिलेगा. सेकंड वन इज अटमोस्ट गुड फेथ. इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि हमें अपने सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना है. तो सेम ये वाला भी प्रिंसिपल इस पर फॉलो होता है. यानी कि द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स टू ईच अदर. सभी को एक दूसरे के जो मटेरियल फैक्ट्स है वो बता देने हैं, ताकि सबको एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस रहे. और कोई भी ऐसी बात है जो आपने छुपाई है या रिस्की है, तब आपको क्लेम नहीं मिलेगा. ऐसी कोई कंडीशंस हमें नहीं रखनी है. मींस अगर हम सारी चीज़ें पहले ही डिस्क्लोज कर देते हैं, तो क्लेम के समय पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. इंडेमनिटी क्या था प्रिंसिपल, अगर आपको याद है, टू मेक गुड द लॉस. सो यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस थी, लाइफ इंश्योरेंस में ये वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लाइफ की कोई भी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते कि लाइफ की ये वैल्यू है. जब हम लाइफ की वैल्यू ही नहीं निकाल सकते हैं बेटा, तो ये इंडेमनिटी का प्रिंसिपल उस पर फॉलो होता ही नहीं है. सो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल फॉलो होता है फायर इंश्योरेंस पे, क्योंकि जितना आपको लॉस होगा उतना ही ज़्यादा आपका नुकसान होगा. और टू मेक गुड द लॉस इंडेमनिटी प्रिंसिपल उसमें फॉलो हो जाएगा. सो इंडेमनिटी इज़ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस. और जनरल इंश्योरेंस पे ये फुलफिल करता है, क्योंकि हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि मुझे कितना नुकसान हुआ, बट लाइफ की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते कितना नुकसान हुआ. इन द इवेंट ऑफ लॉस द इंश्योर्ड कैन रिकवर ओनली द एक्चुअल लॉस एंड नॉट द पॉलिसी अमाउंट. इसका मतलब ये है कि मैंने 1 लाख का इंश्योरेंस कराया था, लेकिन मुझे 30,000 का लॉस हुआ है, तो मुझे 1 लाख नहीं मिलेंगे, मुझे 30,000 मिलेंगे. ठीक है. तो यही बोल रहा है, वी कैन गेट द एक्चुअल लॉस
एंड नॉट द पॉलिसी अमाउंट. पॉलिसी अमाउंट नहीं मिलेगा बट जो हमें इंश्योरेंस में लॉस हुआ है वो मिलेगा. प्रॉक्सिमेट कॉज, द इंश्योरर इज लाइबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू फायर. हमने इंश्योरेंस लिया है फायर इंश्योरेंस, तो आग लगने पे ही इंश्योरेंस मिलेगा. उसके अलावा हम किसी और चीज़ पे आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे, जैसे बाढ़ आ गई, ऐसा बाढ़ आ गई, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, तो हमें क्लेम नहीं मिलेगा बिकॉज हमने फायर इंश्योरेंस कराया था. सो प्रॉक्सीमेट कॉज का मतलब ये होता है कारण क्या है, किस कारण से आपको इंश्योरेंस मिल रहा है. तो जो कारण है जिस वजह से आपने इंश्योरेंस कराया था वो आपका फुलफिल होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज मरीन इंश्योरेंस. मरीन इंश्योरेंस शिप के लिए होता है स्पेशली, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट होते हैं हम बाय एयर भी जाते हैं तो बाय शिप भी और बाय ट्रेन भी जाते हैं. तो मरीन में थोड़ा समुद्र में और ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मतलब रात को भी शिप चलते हैं और कई बारी तो पता ही नहीं चलता, शिप अपने सिग्नल खो देते हैं, भूल जाते हैं कहाँ जाना है. ठीक है, ऐसे एन नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं, बहुत बड़े बड़े अंदर नीचे जो है सी एनिमल्स होते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है. और सी में ज़रा सा शिप में ज़रा सा भी छेद होगा तो भी आपको परेशानी हो सकती है. सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वे बाय रिस्की है, सो हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है मरीन इंश्योरेंस. सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वे बाय इंश्योरर एग्रीज टू इंडेमनीफाई द ऑनर ऑफ अ शिप और कार्गो अगेंस्ट रिस्क विच आर इंसिडेंटल टू मरीन एडवेंचर इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम. मीन्स ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर एग्री करता है कि मैं ऑनर ऑफ द शिप को लॉस होने से बचाऊंगा मरीन एडवेंचर से. मरीन एडवेंचर जैसे आप देख ही रहे हो समुद्र में कुछ भी एडवेंचर ही बोला जाता है उसको, मरीन एडवेंचर इंसिडेंटली हो इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, उसके लिए हम छोटा सा प्रीमियम पे करते हैं और ऑनर ऑफ द शिप को वो अमाउंट मिल जाता है. कार्गोज में हमारा सामान जाता है शिप या कार्गो में, वो लॉस हो जाए उसको. कई बार ऐसा होता है कि शिप ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाता है कि हमें अपने कार्गो को मींस भरे हुए सामान को समुद्र में फेंकना पड़ता है ताकि हम ह्यूमन लाइव्स बचा सकें. ठीक है, तो ऐसे रिस्क से बचने के लिए हमें इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है. इट कवर्स ए वेराइटी ऑफ रिस्क, कैसे हम कई सारे रिस्क कवर करते हैं, जैसे सिंक हो जाना, डूब जाना, बर्निंग ऑफ शिप, स्पॉयलेज ऑफ कार्गो, जैसे मैंने आपको बताया कार्गो में सामान होता है तो वो ख़राब हो जाए, फ्रेट लॉस, फ्रेट मतलब होता है भाड़ा, शिप जो है किराए पे चलते हैं, मीन्स आप अपनी जगह लेते हो शिप में, उसमें अपना सामान रख देते हो, शिप इसको लेके जाता है, तो जब आपका सामान ही नहीं वहाँ पहुँचा जहाँ पे डेस्टिनेशन पे आपको बोला गया है, तो क्या आपको कार्गो का जो ऑनर है वो पैसे देगा? शिप नहीं पैसे देगा, लेकिन शिप ऑनर को तो लॉस हो गया. तो इस तरीके का भी फ्रेट लॉस वो कवर करते हैं कि बाई चांस हम मुझे कार्गो ऑनर पैसा नहीं देता है तो शिप का जो खर्चा है वो तो कम से कम निकल जाए. सो द सब्जेक्ट मैटर मे बी द शिप, द कार्गो और फ्रेट. तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको पहले ही बताया, वो होता है जिसके ऊपर हम इंश्योरेंस कराते हैं. तो या तो वो इटसेल्फ शिप हो सकता है, या हम कार्गो का इंश्योरेंस करा सकते हैं, या हम फ्रेट का, फ्रेट मतलब किराया, जो किराया भाड़ा जो भी शिप लेता है एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का. कितने तरीके के मरीन इंश्योरेंस होते हैं? तो हर शिप इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया अभी, शिप, फ्रेट या कार्गो. तो पहला है शिप, शिप को हल इंश्योरेंस भी बोला जाता है. सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इन दिस केस इज हल और शिप, पूरा शिप का इंश्योरेंस करा दिया जाता है. सेकेंड वन इज कार्गो, हेयर द कार्गो इज इंश्योर्ड, जिसे आपको सामने जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो. सो द कार्गो मीन्स गुड्स इन द शिप, जो शिप के अंदर जो सामान है से हमने उसका इंश्योरेंस करा दिया है. ठीक है, यहाँ पे हमने कार्गो का इंश्योरेंस कराया है शिप का. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रेट इंश्योरेंस. फ्रेट मतलब भाड़ा. सो इट कवर्स द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फ्रेट बाय शिपिंग कंपनीज इन द इवेंट ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स. मान लीजिए हमें लॉस हो जाता है शिपिंग कंपनी को और हमारे गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, देखो तो सामने दिख ही रहा है, तो हमें जो फ्रेट है वो नहीं मिलेगा. लेकिन शिप को कुछ नहीं हुआ, इन दैट केस शिप ठीक ठाक है, लेकिन किराया तो मिला नहीं, मेरा शिप चला, पेट्रोल लगा, जो हमारे शिप के जो कैप्टन वगैरह हैं, जो भी
इम्प्लॉयज़ हैं उन सबको तो फ्रेट देना ही देना है, हमें सैलरी देनी देनी है, तो फ्रेट तो मिला नहीं. इन दैट केस हम फ्रेट का इंश्योरेंस भी कराते हैं. ये बहुत नॉर्मल इंश्योरेंस है. तीन तरीके में से कोई भी तरीके का हम इंश्योरेंस करा सकते हैं. जिस तरीके से हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा और फायर इंश्योरेंस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि मरीन इंश्योरेंस के अंदर हम कौन कौन से एलिमेंट्स कवर करते हैं. सो सबसे पहला, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. तो इंडेमनिटी मीन्स, जैसे हम बार बार बता रहे हैं आपको, इंडेमनिटी मीन्स टू मेक गुड द लॉस. तो यहाँ पे जो लॉस हुआ है उसका वैल्यूएशन होगा और जितना लॉस होगा उतने पैसे आपको मिल जाएंगे. सो द इंश्योर्ड कैन कवर द एक्चुअल लॉस इफ अकर्ड. नेक्स्ट वन इज अटमोस्ट गुड फेथ. तो इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स टू ईच अदर. एक दूसरे के सारे मटेरियल फैक्ट्स को इन्होंने डिस्क्लोज करना है और अटमोस्ट गुड फेथ मेंटेन रखना है. ठीक है, इसे बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ. मीन्स हमें कोई भी मटेरियल फैक्ट एक दूसरे से नहीं छुपाना है, नहीं तो आपको क्या परेशानी हो सकती है, क्लेम लेने में प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट वन इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस. इसमें है, जैसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कि मुझे उसके उस लॉस में इंटरेस्ट कब होना चाहिए. मीन्स जिसका मैं सब्जेक्ट, जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है, जिसका मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ, उसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी. पॉलिसी लेते समय ना हो, बट इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस. लेकिन लॉस जब हो रहा है मुझे, जब मेरा वो शिप डूब रहा है, तब उस समय मेरा सब्जेक्ट मैटर मायने रखता है. ये कहता है आपका मरीन इंश्योरेंस का इंश्योरेबल इंटरेस्ट. ठीक है, प्रॉक्सीमेट कॉज मीन्स नियरेस्ट कॉज हमें निकालना पड़ता है कि ये जो प्रॉपर्टी हमारी डैमेज हुई है इसका नियरेस्ट कॉज क्या है, ताकि हम उसको कॉम्पनसेट कर पाएं इंश्योरर को. कि भाई खुद तो नहीं लगाए, मतलब एक इंक्वायरी तो होती है ना कि खुद से तो नुकसान नहीं किया उन्होंने. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन लाइफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस. एक बार आप इसको हम गो थ्रू हो जाते हैं. तो सबसे पहला है रिस्क. तो लाइफ इंश्योरेंस में जो रिस्क है, या तो रिस्क कैसा कवर होता है, या तो मैच्योरिटी हो जाए, मान लीजिए मैंने 20 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो या तो 20 ईयर्स हो जाए या मेरी डेथ हो जाए. इसमें रिस्क क्या है, अनसर्टेन है. इसमें भी रिस्क कैसा है, अनसर्टेन है, होगा या नहीं होगा. बट इसमें तो श्योरिटी है कि या तो मैच्योरिटी आएगी या डेथ होगी, दोनों में से एक काम तो ज़रूर होगा. नेक्स्ट वन इज पीरियड. ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा. लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म होता है और ये सब 1 ईयर के होते हैं. ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये वाली मैंने आपको पहले भी बताया है. इसमें दोनों जगह मींस एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी लिखा है ना, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी जो है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए. बट एट द टाइम ऑफ डेथ प्रेजेंट ना भी हो तब भी चलेगा. फायर इंश्योरेंस में दोनों समय होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस. और मरीन इंश्योरेंस में कब होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ लॉस. अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंस. प्रीमियम. प्रीमियम पेड इज रिटर्न विद और विदाउट बोनस. यहाँ पे जब हम प्रीमियम पेड करते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, तो आपके जो प्रीमियम है वो वापस हो जाते हैं, क्योंकि या तो डेथ हो जाती है या मैच्योरिटी हो जाती है, तो कुछ ना कुछ बढ़ चढ़ के, यानी कि बोनस मिल के ही हमको वापस मिलता है पैसा. लेकिन फायर इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है. एक साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, एक साल में आग लगी तो पैसा मिलेगा, नहीं तो वो गया आपका पैसा. ठीक है, और अगले साल फिर आप इंश्योरेंस लेंगे, फिर एक साल में कुछ होगा तो आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. ठीक है, इसी तरीके से मरीन इंश्योरेंस है. पेमेंट ऑफ प्रीमियम. हम कई तरीके से पेमेंट ऑफ प्रीमियम कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली. और फायर इंश्योरेंस का एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी वन टाइम होता है. और इसका जो अमाउंट होता है वो भी बहुत मिनिमल होता है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते इसमें. इंडेमनिटी. इंडेमनिटी टू मेक गुड द लॉस. जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया, लाइफ इंश्योरेंस में हम लाइफ की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल इस पर फॉलो नहीं होता अब, लेकिन फायर इंश्योरेंस पे फॉलो होता है और मरीन इंश्योरेंस पे भी फॉलो होता है. ऑब्जेक्टिव. क्या ऑब्जेक्टिव है भाई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइफ इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव है कि हमारी लाइफ प्रोटेक्ट रहे. इन्वेस्टमेंट पर्पज से करते हैं लोग लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन फायर इंश्योरेंस में किस लिए करते हैं? अपने लॉस को कवर करने के लिए. और मरीन इंश्योरेंस में भी किस लिए कवर करते हैं? लॉस को कवर करने के लिए.
सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है, लास्ट में आपको कुछ पैसा मिलेगा उसे बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। जब हम पॉलिसी सरेंडर करते हैं मीन्स पॉलिसी मेच्योर हो गई, जैसे 1 साल हो गया, तब फायर इंश्योरेंस में नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस में आपको। मैंने बोला ना मेच्योरिटी हो जाती है, सरेंडर हो जाती है, तो सरेंडर वैल्यू जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक, डबल इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या 10 इंश्योरेंस करा रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस 10 के 10 का पैसा मिलेगा, लेकिन फायर इंश्योरेंस में डबल कराने का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ना ही मरीन इंश्योरेंस में पैसा मिलेगा। मींस आप 10 भी करा सकते हो, लेकिन सब कंपनी थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी, सिर्फ उतना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे जितना आपको नुकसान हुआ है, उससे ज़्यादा आपको कोई भी पैसा पे नहीं करेगा, ना तो फायर में पे करेगा ना मरीन में, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में आप 10 पॉलिसी लोगे 10 के 10 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पॉलिसी का अमाउंट, तो जैसे मैंने बताया जितने ही पॉलिसी होगी उतना पैसा वापस मिल जाएगा आपको लाइफ इंश्योरेंस में, बट फायर इंश्योरेंस में जितना आपको लॉस होगा और मरीन इंश्योरेंस में भी जितना आपको लॉस होगा, ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अदर इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। अदर इंश्योरेंस में आता है एक तो हेल्थ इंश्योरेंस, लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं। इसमें क्या होता है, हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे होते हैं आपके बीमार होने से वो आपको रीइंबर्स हो जाते हैं। हम मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस टू व्हीकल पैसेंजर और थर्ड पार्टी ड्यू टू मोटर एक्सीडेंट। इसमें प्रोटेक्शन किसको मिलता है, भाई आपका जब एक्सीडेंट होता है तो व्हीकल को भी नुकसान होता है, पैसेंजर को भी होता है, और कोई थर्ड पार्टी है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, जो आपकी गाड़ी में भी नहीं बैठा है, सामने वाला बंदा है, उसको भी कुछ हो सकता है, तब आप मोटर व्हीकल इंश्योरेंस आपके काम आता है। बुल्गेरी इंश्योरेंस, बुल्गेरी इंश्योरेंस मीन्स आपके घर में चोरी हो जाए, हाउस ब्रेकिंग, लोग ज़्यादातर तो जो अमीर अमीर लोग होते हैं वो इस तरीके का करते हैं क्योंकि उनके घर में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। सो इट कवर्स द रिस्क ऑफ लॉस टू स्टॉक कैश इन सेफ एंड प्रॉपर्टीज इन द बिजनेस प्रेमिसेस। मीन्स ज्वेलर्स होते हैं जो उनके घरों में कुछ ना कुछ सोने वगैरह की चीज़ें होती हैं, तो अगर हमने ऐसा कुछ है तो हम बर्गलरी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, इससे हमें जो भी नुकसान होगा वो हमें मिल जाएगा। कैटल इंश्योरेंस, भाई कई लोग होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स का बिजनेस करते हैं या एनिमल्स को पालते हैं, तो इससे उनको काफ़ी लॉस हो सकता है। सो टू कवर द लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ एनिमल्स लाइक बुल्स बफेलोज एंड काउज, ये पेट एनिमल्स के लिए होता है, तो इसके लिए होता है हमारा कैटल इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस, आजकल फार्मर्स भी हैं, वो बाढ़ आ जाती है, कभी पानी नहीं आता है, कभी अच्छी फसल नहीं होती है, कुछ ना कुछ, कभी वो टिड्डी दल आ गया, इस तरीके से उनकी क्रॉप बर्बाद हो गई है, तो वो भी क्या है आगे जाके बढ़ के क्रॉप इंश्योरेंस करा सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस है, इसमें क्या होता है, हमारे जो अमेच्योर स्पोर्ट्समैन होते हैं, बाय कवरिंग देयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स लीगल लायबिलिटी एंड पर्सनल एक्सीडेंट, जो बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको कवर करने के लिए होता है। जैसे आपने सुना होगा कि फुटबॉलर्स जो होते हैं वो अपने घुटनों का कराते हैं इंश्योरेंस, और क्रिकेटर में भी कई लोग अपनी कलाइयों का इंश्योरेंस कराते हैं, बिकॉज वो उससे बॉल भी उसी से थ्रो करते हैं और बैट को भी वो इसी से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से वो कई तरीके के, अपने पर्सनल एक्सीडेंट हो जाएगा, उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो तो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो तो कुछ और खेल नहीं पाएंगे, तो इस वजह से भी वो जो है अपना इंश्योरेंस कराते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है, जिससे क्या होता है, दिस पॉलिसी कवर्स द रिस्क ऑफ लायबिलिटी दैट मे अराइज बिकॉज ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्ड पार्टी एंड द रिस्क ऑफ पर्सनल इंजरी टू सच अदर पर्सन। तो फर्स्ट इंश्योरेंस पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी, इसमें जिसका कोई लेना देना ही नहीं है आप उसके लिए इंश्योरेंस करा रहे हो, मींस जिससे सामने ये कार वाला बंदा जा रहा है वो सेकंड पार्टी है, वो फर्स्ट पार्टी है, और उसने सामने वाले बंदे को अब पे करना पड़ेगा ना कि उसने उसका नुकसान कर दिया, वो गाड़ी टूट गई है, वो पैसे मांगेगा, तो आप थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस भी करा सकते हैं कि आपकी वजह से उसकी कार खराब हुई है, वो आपसे क्लेम मांगने आएगा तो आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। एक हम बात करते हैं एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस,
एक्चुअली क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो हाईली एक्सपीरियंस हो जाते हैं, हमारी कंपनी में रहते हैं, तो कई बार जो हम एम्प्लॉयमेंट के समय पे उनकी डेथ भी हो सकती है, वो इंजर्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि हाईली रिस्की काम भी करते हैं। कई बड़े बड़े केमिकल प्लांट्स होते हैं जिसमें वो बीमार भी पड़ जाते हैं, उस केसेस में भी आपको उनको कुछ ना कुछ कवर तो देना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस होता है जिसमें जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी ये हो जाती है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना है। सडन डेथ हो गई तो अचानक से हजारों लाखों या करोड़ों रुपए का खर्चा आ गया, तो बेटर है कि आप उनका इंश्योरेंस ले लीजिए और प्रोटेक्ट रखिए। एक होता है फाइडेलिटी इंश्योरेंस, फाइडेलिटी होता है चोरी चकारी का। एम्प्लॉय कई बार क्या होते हैं गबन कर लेते हैं कई पैसों का, मैल प्रैक्टिसेस की वजह से जो है हमें रिस्क हो जाता है, वो फ्रॉड कर लेते हैं हमारे साथ, उसे बोलते हैं फाइडेलिटी इंश्योरेंस। तो इस तरीके से अगर कोई एम्प्लॉय हमारे साथ चीटिंग कर दे तो हमें लॉस हो गया, तो उसके लिए भी हम फाइडेलिटी इंश्योरेंस करा सकते हैं। फाइडेलिटी इंश्योरेंस से हम कवर हो सकते हैं इस तरीके के लॉस से। नेक्स्ट वन इज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंट मतलब टू कॉम्पनसेट द लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, डेथ और इंजरी। पर्सनली अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ये सिर्फ मेन एक्सीडेंट का इंश्योरेंस है। आपको पता है आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोग रफ ड्राइविंग करते हैं जिस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो जाता है, तो उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हम ले सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ डिफरेंट द काइंड ऑफ इंश्योरेंस आर देयर। हमने दो सर्विसेज पढ़ ली है बिजनेसेस की, बैंकिंग पढ़ी है, इंश्योरेंस पढ़ी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, और दोनों ही आपके सिलेबस में है, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। इंश्योरेंस में स्पेशली आप तीनों इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे और तीनों इंश्योरेंस में कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं वो, और सारे प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं। बैंक कितने तरीके के होते हैं, बैंक हमें कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, क्या उनके एडवांटेजेस हैं, ये सब आप पढ़ेंगे। बैंक की ई बैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ई बैंकिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ आती है, जितने भी आइटम्स आते हैं, वो आप अच्छे से पढ़िए। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में इन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर पढ़िए, और इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी एट एनी टाइम। थैंक यू।